और पाउडर पाउंड। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं शी ब्यूटी का पाउडर फाउंडेशन, और ये हम देखेंगे कि भाई ये कितना जो है वो अच्छा जा रहा है, क्या इसकी कवरेज है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल न्यू आया है मार्केट के अंदर शी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। लेट मी टेल यू, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और अभी जो है कुछ परसेंट ऑफ भी चल रहा है इनके वेबसाइट पर, तो आप जाकर बाय कर सकते हो। काफ़ी सारे शेड्स भी अवेलेबल हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इनके पैनकेक का रिव्यू किया था, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस पाउडर फाउंडेशन। और ये मैट फिनिश लुक देगा, 24 आवर स्टे करेगा। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। इसका शेड जो है मैंने मंगवाया था F1, जैसे कि क्रायलॉन के शेड्स थे ना, बिल्कुल सिमिलर ना इसके पाउडर फाउंडेशन के जो है ना वो शेड्स गिवन थे, तो मैंने F1 मंगवा लिया। मैंने कहा यार मेरी टून के लिहाज से मुझे F1 सही लग रहा है, तो मैंने ये मंगवा लिया था। तो गाइस ये जो है इस तरह से ये गिवन है, और ये 35 ग्राम जो है ये मौजूद है इसमें, ठीक है जनाब, ये इतना इसमें मौजूद है। एंड देन अब हम इसको ना ट्राई करते हैं यूज़ करने की, और ये हमने ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ। ओ ये थोड़ा सा आई थिंक कुरियर होते हुए जो है ना वो शायद टूट वूट गया, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो ब्रेक हुआ हुआ है। खैर कितना मसले की बात नहीं है, क्योंकि ये तोड़ के ही इसका पेस्ट बनना है और फेस पर अप्लाई होना है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर टूट भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह का है, और जो है हम इसको निकाल लेते हैं किसी लिप पर और अपने फेस के लिहाज से। अभी मैंने जो है ना अपने फेस को प्राइम कर लिया है, और जो है ना एलोवेरा जेल लगा लिया है, प्राइमर लगा लिया है सेट करने के लिए, ठीक है। ये मैंने ले लिया है इसका फाउंडेशन इतना, ठीक है, ये मैंने इतना ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, एंड देन फिर हम इसमें वाटर डालकर जो है ना इसको पेस्ट बनाएंगे। सही से अगर ये पाउडर नहीं हुआ हुआ होगा ना, तो इसके जो चंक्स है ना वो हमारे फेस पर ना सही नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा इसको सही से ब्रेक कर लेना है हमने। इन्होंने लिखा हुआ है कि आप पफ से ना अच्छे से ना वेट पफ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाउडर फाउंडेशन ना इस तरह से पेस्ट बन के ही सही लगता है, तो हम इसकी कवरेज चेक करेंगे ताकि ये कवरेज हमें फुल दे। और उन्होंने कहा है आप दोबारा भी जो है वो लेयर अप्लाई कर सकते हो और अच्छी कवरेज के लिए, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये मैंने पाउडर कर लिया है, एंड देन मैं इसमें जो है वो वाटर यूज़ कर रही हूँ। ये देखें ये मैंने वाटर डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं फाउंडेशन ब्रश की मदद से अच्छे से। थोड़ा टाइम लगता है मिक्सअप करने में, जाहिर सी बात है, लेकिन हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने थोड़ा थिक पेस्ट सा बना लेना है, बहुत ज़्यादा पानी जैसे नहीं रखना होता, ताकि ये ना एक जितना ये थिक बेस्ड होगा उतना जो है ना इसकी कवरेज अच्छी होगी। ये देखिए ये जो है इसका बेस रेडी हो चुका है, और आई थिंक फेस के लिहाज से इतना बेस इनफ है। इसको अच्छे से मैंने कर लिया है ताकि जो है ना वो हमारा किसी भी तौर पर ख़राब ना हो। अब हम फेस पे इसको अप्लाई करते हैं। हेयर मैं अपने टाई कर लेती हूँ यार, ताकि ये जो है ना वो बाल ऊपर ना आए। ठीक है जनाब, तो हम जो है इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी कवरेज देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट लाइक पेंट, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आई थिंक ये ना कलर टोन के लिहाज से सही है मेरे। मैं पूरे फेस पे जल्दी से इसको लगा कर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ना इसको
आपने अपने नेक पर भी लगा लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नेक और जो है ना फेस वो बिल्कुल अलग लगे। लेट्स सी किस तरह से ये इम्पैक्ट देता है। अच्छा, ये ड्राई थोड़ा जल्दी हो रहा है आई थिंक, तो हमको जो है ना वो यूज़ कर लेना चाहिए। हमने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है और इससे हम अच्छे से जो है ना इसको पेनिट्रेट करते हैं। ओ गॉड, मुझे मिरर चाहिए। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपकी उतना अच्छा बेस जो है वो बैठ जाएगा आपकी स्किन पर, वरना जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैं ब्लेंडिंग करके फिर आपको जो है वो इसका लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो गाइस, दिस इज द लुक। बहुत ज़बरदस्त यार, ब्लेंडिंग ईजिली हो जाएगी आपके ब्यूटी ब्लेंडर से। पफ से नहीं कीजिएगा, किसी ब्रश से नहीं कीजिएगा, इसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट है। और इसने इस अपने जो राउंड इसका वन एरिया है ना, इससे इतना मज़े का ब्लेंड किया है यार, आप चेक करो, कोई पैचेस नहीं है किसी भी तरह के। और इसने सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं, इवन कि मैंने अभी यहाँ पर कोई जो है ना वो बेस यूज़ नहीं करा, ठीक है, कोई स्टिक यूज़ नहीं करी, कोई कंसीलर यूज़ नहीं करा। और इसने जो है वो आप कवरेज चेक करो, बेस्ट कवरेज दी है, बहुत मज़े का है। और F1 जो शेड है वो एशियन टून के लिहाज से, यानी कि जैसे मेरी भी टून है और मीडियम टू फेयर की जानिब, तो ये F1 बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप ये वाला ही लेना यार शेड, नेचुरल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा मैं, क्योंकि कैमरे में आपको पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने जब मिरर में देखकर इसको सेट किया तो ये जो है ना बहुत नेचुरल लुक दे रहा था और बहुत मज़े का लुक दे रहा था यार। आप चेक करो, अभी मैंने कुछ भी इस तरह से नहीं लगाया हुआ और ये ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत आर्टिफिशियल हो, और जो है ना बिल्कुल स्किन के लिहाज से ना बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। मैंने नेक पर भी लगा लिया था ताकि नेक और फेस का कलर जो है ना वो एक जैसा लगे, और ताकि ना आपको बुरा ना लगे। ये ने बोले, लोग बोलते हैं ए बहन जरा सा तुम गर्दन पे भी मेकअप कर लेती, ऐसा कहने लगते हैं लोग तो जो है आप अपने नेक पर भी लगा लेना, ठीक है। और जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम ना इसका फाइनल लुक करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप कर लेते हैं तो, और फिर देखते हैं कि किस तरह का ओवरऑल लुक देगा। मुझे अभी ही इससे प्यार हो गया यार, बहुत ज़बरदस्त इसने जो है ना वो करवाया। मैं आपको मिलती हूँ फुल मेकअप के बाद। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक, और हमने स्लाइट सा जो है वो आईज मेकअप कर लिया, सॉफ्ट सा थोड़ा सा, और जो है मस्कारा लगा के हमने लिप लगा लिया है, ब्लश ऑन लगा लिया है, हमने कोई आईलैशेस नहीं लगाई हैं, कोई अभी हमने लाइनर नहीं लगाया है। और देखो इसका लुक कितना सॉफ्ट सा और प्यारा सा आ रहा है, एकदम बेबी क्यूट सा लुक आ गया है। और मैंने जस्ट जो है वो इसको पाउडर से सेट किया था, और इसके अलावा मैंने इस पर कुछ नहीं अप्लाई किया। और आप चेक करो, ये देखो कोई फिल्टर नहीं है, इसने कितनी अच्छी कवरेज दी है, इसने वाकई में बहुत अच्छी कवरेज दी है। यहाँ पर कोई भी रिंग लाइट नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ लाइटिंग के लिए भी, और देख सकते हो आप कि फ्लॉलेस, एकदम जिसको कहा जाए कि फ्लॉलेस इसने लुक दिया है तो ये वही है। और शेड भी बिल्कुल मैंने सही मंगवाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वो शेड आया भी वही जो मैंने मंगवाया था। तो ये जो था प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है भाई, कहाँ गई ये प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छी। इसका पैनकेक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, और कॉमन आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज ए फुल कवरेज बेस अगर मैं उसको बोलूँ तो वो मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगा था, लेकिन ये आई जस्ट लव इट, ये बहुत ज़बरदस्त है यार, मुझे बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करके, और बहुत बहुत ही प्यारा इसने लुक दिया है।
सिंपल सा लुक आपने क्रिएट करा है इससे, और देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज आज की वीडियो यही थी, होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और आप भी यार ये बेस मंगवा लो, एक सुपर अफोर्डेबल बेस है ये, और जो है कवरेज भी बहुत अच्छी दे रहा है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका, ब्लेंडिंग भी बहुत मज़े की थी ब्यूटी ब्लेंडर से। लेकिन ब्लेंड करना मैं पहले ही बता दे रही हूँ, फिर परेशान नहीं होना कि भाई ये ब्लेंड नहीं हो रहा है, इसको क्या करें, किस तरह से सेट करें। तो जो है ब्यूटी ब्लेंडर से सेट होगा, बहुत मज़े से सेट हो जाएगा यार ये, टू गुड आई जस्ट लव इट। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप आने वाली मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पा सको। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। क्रोथलाइन हैदर का अल्लाह हाफिज़।